हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूनर। और आज का आपका भाई अनबॉक्सिंग करने वाला है लावा A1, जो कि प्योरली लिखा हुआ है यहाँ पे हैशटैग प्राउडली इंडियन। तो बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। फीचर फोन है, 2020 में बहुत छोटा और बहुत ही रग्ड फोन है आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत महीनों पहले मैंने A1 लावा का मैंने परचेस किया था और बहुत अच्छा और हार्श कंडीशन में वो चल रही है, क्योंकि एक प्लांट में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, तो बहुत ही रफली यूज किया जाता है और फोन बहुत बेहतरीन से यूज हो रहा है। तो ये सेकंड फोन मैं परचेस कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब मैंने पहले वाला जो मोबाइल परचेस किया था वो थोड़ा डीप ब्लू कलर का था। थोड़ा डिफरेंस मैं देख रहा हूँ इस दोनों में, वो ये है कि जब लावा A1 पहले वाला जो मोबाइल मैंने खरीदा था वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है, हैशटैग प्राउडली इंडियन बोलिए या ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी लिखा हुआ था, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जो चाइना का साथ जो भी लफड़ा हुआ, ये COVID-19 का जो भी केस जो भी हुआ, उसके बाद जो एक हैशटैग मेक इन इंडिया बोलिए या प्राउडली मेड इन इंडिया का जो अभी दौर आया है, जिसको मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद से ये सब लोगो वोगो सब आ चुका है पैकेट में। और एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, फोन को खोल के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और एक डिफरेंस क्या है। तो फीचर फोन है, ज्यादा तो एक्सेसरीज कुछ इसमें होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। पहले निकल के आता है यहाँ पे ये फोन आप देख सकते हैं, ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा है लावा मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, और फोन कुछ इस तरह से दिखता है। और एसेसरीज में आपको मिल जाता है एक USB चार्जर जिसको खोलने का कोई मतलब नहीं है, और दूसरा है 800 mAh का एक बैटरी। साइज के ऊपर मत जाइए 800, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। पहले वाला जो मोबाइल है वो अराउंड 4 to 5 days का बैटरी बैकअप दे दे रही है आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बैटरी को इसमें लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाला मोबाइल में ये बैक कवर खोलने में मेरा उंगली कट गया था, बहुत ही हार्ड है फ्रेंड्स, थोड़ा सावधान बरत के इसको पैनल को आप इसको खोलिएगा, ठीक है। बहुत ही हार्ड ये बैठा रहता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत कॉम्पैक्ट फील देता है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके इसको खोलिएगा। तो अंदर में एक माइक्रो SD लगाने का जगह है और 2 SIM कार्ड ये सपोर्ट करती है, 2G SIM सपोर्ट करती है, नो 3G नो 4G, ठीक है। ये है बैटरी, मैं बैटरी इसमें डाल रहा हूँ अभी। बैटरी डाल के मैं स्टिकर को पील ऑफ कर देता हूँ आपके सामने ये। तो फ्रेंड्स फर्स्ट बूट कर रहे हैं, मैं ऑन प्रेस किया और ये हो गया ऑन। लाउड काफी है। तो डिस्प्ले कुछ इस तरह से आता है कैमरा में, आई होप ठीक से कैप्चर हो रहा है, डिस्प्ले ठीक ठाक आ रहा है, बहुत ही कलर इसका वाइब्रेंट है। तो मेनू कुछ इस तरह से दिखता है, ये कॉल लॉग है, कॉन्टैक्ट, म्यूजिक वगैरह वगैरह, सेटिंग, गेम्स, अलार्म, मैसेज है। तो देखने वाली जो बात है रिंगटोन, सबको ही रिंगटोन के बारे में सब कुछ बहुत कॉशियस होते हैं, तो मैं रिंगटोन में आपको दिखाता हूँ। कस्टमाइज में जाके मैं रिंग वन, तो ये है रिंग वन, ठीक है। ये है रिंग टू, मैं साउंड आपको सुना दे रहा हूँ, तो काफी लाउड है फ्रेंड्स, इतना छोटा फोन में ऐसा रिंगटोन अनएक्सपेक्टेबल है, लेकिन बहुत बढ़िया रिंगटोन है, ठीक है। और ये जो रिंग वॉल्यूम, ये 7 में है, फुल में है, 7 इसका लास्ट है। कहता हूँ मैसेज में आपको कुछ इस तरह से आपको दिखता है, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट आपको डिस्प्ले मिलता है, तो धूप में भी देखने में आपको इजी रहेगा ये चीज। वो फीडबैक देती है एक वॉइस के जरिए, जैसे 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देख सकते हैं ऐसे फीडबैक भी दे रही है। तो जो पेरेंट्स है उनके लिए बहुत भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि कभी कभार होता है कि गलती से दूसरा नंबर दब जाता है, तो सुनने के बाद भी ये रेक्टिफाई कर सकते हैं कि नंबर गलत हो गया है। और एक मजेदार बात है ये कि इसमें पावर सेविंग मोड मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैटरी का सिंबल दिखता है, इसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये सुपर बैटरी एनेबल ऑप्शन इसमें ऑन हो जाती है। तो इतना छोटा फोन में इतना कम प्राइस में आपको पावर सेविंग मोड भी आपको मिल जाता है, इसमें लॉन्ग प्रेस करेंगे फिर से ये ओपन हो जाएगा। और बीच वाला जो की है ये टॉर्च के लिए है, सबका फेवरेट टॉर्च,
टॉर्च भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाइट ये मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन डिसेंट है। यहाँ पे आपको एफएम मिल जाता है, एफएम इसमें चलाने के लिए 3.5 जैक लगाना कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट दबाने से ही ये चैनल को सर्च करने लगेगी। जैसे मैनुअल इनपुट है, ऑटो सर्च, मैं ऑटो अगर सर्च करता हूँ, मेरे यहाँ पे घर पे एफएम नहीं पकड़ती है, तो इसीलिए ये एफएम का मैं डेमो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एफएम चलाने के लिए इसमें 3.5 एमएम का जैक का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया। गेम्स में आपको बता देता हूँ, जैसे ये स्काई गिफ्ट, जैसे स्काई गिफ्ट, डेंजर डैश, नाइट्रो रेसिंग आपको मिल जाता है, नाइट्रो रेसिंग में बाय करना पड़ेगा। स्काई गिफ्ट में मैं दबाता हूँ, जी न्यू गेम मिल गया इसमें, और ऐसा कुछ आपको मिलता है। गेमिंग बोर नहीं होने वाले हैं, बहुत अच्छा डिस्प्ले भी है और इंटरेस्टिंग भी है गेम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस यही है, फोन बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। यंगस्टर्स आप ले सकते हो आपका सेकेंडरी मोबाइल, एज ए सेकेंडरी मोबाइल यूज करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, क्योंकि छोटा है, कॉम्पैक्ट है, डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, एफएम है, और क्या चाहिए भाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए फोन आपको कैसा लगा। कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।